चोरा मेरे मज पम डकण वेर मन सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मन सिखा पदंग समाधियामी जुड़ेंगे जीतेंगे जुड़ेंगे जीतेंगे जिद जुड़ेगी जिद जुड़ेगी पहले जुड़े थे पहले जुड़े थे अब जुड़ेंगे जो जुड़े थे फिर जुड़ेंगे जुड़ेंगे जिद जय 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 समर संघ समर संघ समर संघ हम सब संघी हैं हम सब हम सब हम सब बहादुरगढ़ की ये जो मीटिंग है सभा है मेरे समर संघ के कंसेप्ट को बताने के बाद खत्म नहीं होगी क्योंकि यहाँ कोई अतिथि मुख्य अतिथि या मुख्य वक्ता या ऐसा नहीं होता। अभी बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने विचार देंगे और सबका विचार एक ही है क्योंकि महिलाओं में से एक ही विचार आया है अभी और बहुत सारे विचार आने भी हैं। यहाँ तीन लोग बहुत अच्छे मुझे शुरू में लगे। एक हमारे जो बुजुर्ग साहब हैं जिन्होंने ये जमीन के बारे में बताया, उनका विचार एक बड़ा क्रांतिकारी है। उन्होंने जो बात आरंभ की, उन्होंने कहा कि सबसे पहले संगठित होने के लिए, फिर शिक्षित होने के लिए, फिर एजुकेट होने के लिए, यही क्रम है आज का। आज सबसे पहले शिक्षित होने से पहले हमको आज इकट्ठा होना पड़ेगा। ये बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। दूसरा, जो हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो क्रांति दी है वो पूरी माननी है। उन्होंने एक शब्द में बताया, ये उनका पूरी तरह से एक्सपीरियंस है। और तीसरे, जो यहाँ सरदार जी हैं वो लगातार आपको संगठित करने के लिए, मैं देख रहा हूँ कि जब से आया हूँ वो ये सरदार जी हैं, इन्होंने यहाँ दरी बिछा रहे हैं, कभी सीढ़ी लेके आ रहे हैं, कभी टांग रहे हैं और अभी भी खड़े हुए हैं, बैठ नहीं रहे हैं, जबकि जवान लोग बैठे हुए हैं हमारे। ये जब तक सेवा भाव नहीं आएगा और काम करने की क्षमता नहीं आएगी, हम इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। ये ध्यान रखना, बुजुर्ग हमारा काम करे और हम बैठे रहें, हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये तीन लोग हैं, एक जोरदार तालियां इनको होनी चाहिए, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए। और यहाँ आने से पहले जवान लोग मिले, 7-8 जवान लोग मिले और बड़े जोश में थे। हमें भी अपनी जवानी याद आ गई। ये बाल तो मैंने पैसे दे के काले किए हुए हैं क्योंकि पत्नी नहीं कहती है कि आप बाले, उनके काले बाल हैं, वो कहते हैं जब तक मेरे काले बाल रहेंगे आपको काले बाल करने हैं। मैंने कभी, मैं समाज में जाता हूँ सफ़ेद बाल अच्छे रहते हैं कि नहीं, आप घर में भी रहते हो। तो हमें जवानी याद आ गई कि जवानी में भी हम किसी की नहीं सुनते थे। हम जिस किसी भी संगठन वंगठन में जाते थे, वहाँ जो पर्चा पकड़ा दिया, जो रसीद पकड़ा दी और जो हमारे दिमाग में डाल दिया, हम उस पर लड़ने और मरने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते थे। हम सुनते ही नहीं थे, बस हमारी बात ठीक है जो हमने कह दिया, क्योंकि हमें अपने मास्टर को, अपने आका को, जो हमारा मालिक है, जिसने हमें अपने संगठन में दाखिल किया है, जिसने हमें एडमिशन दिया है, जिसकी हम पर्ची लेके घूम रहे हैं, जिसका विचार लेके घूम रहे हैं, उसको शाम को हम कहते थे, अजी आज वो हमें समर संघ की मीटिंग में गए थे, वहाँ हमें 2-4 बुड्ढे सुड्ढे से मिले, आज हमने उनको धो दिया, आज हमने किसी की नहीं सुनी और बहुत बढ़िया किया। और मालिक भी कहता है बहुत अच्छा किया तुमने, अच्छा धुन दिया, ये समर संघ वाले हमारा पैसा बंद करा रहे हैं, अब देखेंगे जरा इनको हम। तो ये बातें चलती रहती हैं, मगर उनको हमने समझाने की कोशिश की कि भाई 70 साल में अधिकार चले गए, हम तो जी लिए, मगर आप बच्चे हो हमारे, आपको क्या मिला? जो बाबा साहब लेके आए वो तो सब चला गया और आप संगठन से पूछते नहीं। संगठन हमारे ही हैं, उसको कहा भाई आप हमारे बच्चे हो, हम सब एक ही हैं, अलग थोड़ी हैं। तुम्हारे हाथ में जो पर्चा है वो भी हमारा है, जो समर संघ है वो भी हमारा है, हम सब एक ही हैं। इस बात को अभी समझने को तैयार नहीं हो रहे हैं, तो समझ जाएंगे क्योंकि 100 साल के अंदर हम वहीं पहुंच जाएंगे। 70 साल तो हो गए हैं, 30 साल में वहीं पहुंच जाएंगे जहां से बाबा साहब ने हमको उठाया था। तो समझ में आ जाएगा कि बाबा साहब ने क्यों कहा था संगठित होने के लिए और क्यों कहा हमारे जो ये बुजुर्ग हैं कि हमको तीन बातें माननी चाहिए, कि संगठित होना चाहिए, फिर हमको शिक्षित होना चाहिए, फिर हमको संघर्ष करना चाहिए। संगठित होने का काम सबसे पहले करना चाहिए और संगठित होने का काम इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि हम पहले भी संगठित थे और पहले भी सारे के सारे एक साथ ही थे। ये इस बात को जानने के लिए कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई अक्षर ज्ञान होने की जरूरत नहीं है कि हम पहले सारे के सारे इकट्ठे थे। बस आज शाम को जाके सोचना इस बात को और जब सोने से पहले 1-2 घंटे आराम से सोचना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम सब एक ही थे। तो इसको शुरुआत करते हैं समझाने के लिए।
क्योंकि ज्यादा किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इकट्ठे होने के लिए या अपने परिवार में मिलने के लिए कोई कहे कि ज्ञानी होना जरूरी है, ज्ञानी नहीं होना जरूरी है, बस आपको अपनी सोच विकसित करनी है, थोड़ा सोचना है और उसका कोई पैसा नहीं लगता। हमारे आज जो संगठन है उनकी संख्या जो बताई है बाम सेफ के एक प्रधान ने, ये मेरे नंबर नहीं है, नागपुर के अंदर हम एक मीटिंग में गए, बाम सेफ का एक संगठन चलता है, उनके प्रधान ने कहा कि 29 लाख रजिस्टर्ड संगठन हैं और 4 लाख उसमें से एक्टिव हैं और टोटल 31 लाख संगठन हैं, 2 लाख उनके हैं जो हमारे विरोध में काम करते हैं और हमारे 29 लाख हैं। तो आप ध्यान दोगे और सोचोगे, किसी किताब में जाने की जरूरत नहीं है, कि ये जो संगठन हैं ये संगठन 70 साल पहले नहीं थे, यानी कि जब संविधान बना है, बाबा साहब ने जब संविधान बनाया है उससे पहले सरकारी कर्मचारी नहीं थे तो सरकारी कर्मचारियों के संगठन नहीं थे, राजनीतिक पार्टियां नहीं थी, राजनीति नहीं थी तो राजनीतिक पार्टियां नहीं थी। जो ये सामाजिक संगठन बने हैं जो हमारे पास आते हैं पर्चियां ले लेकर, उनके संगठन भी नहीं थे, ये भी बाद में बने, 78 में बनने शुरू हुए हैं। और जो हमारे आर्थिक संगठन हैं जो लोग चला रहे हैं कि पैसे का संगठन है, पैसा इकट्ठा करना है, व्यापार करना है, बिजनेस करना है, वो भी सोच नहीं थी। यानी 70 साल पहले हमारे 29 लाख टुकड़े नहीं थे, क्योंकि 29 लाख संगठन थे ही नहीं, तब संगठन नहीं थे तो टुकड़े भी नहीं थे। तो इससे पहले क्या था, इससे पहले हमारे 6,743 टुकड़े थे जो संविधान में लिखे हुए हैं, जिनकी खोज हुई कि भाई कितनी कास्ट हैं और कितनी सब कास्ट हैं, एक एक कास्ट की हजारों हजारों कास्ट बनी हुई हैं। तो 6,743 टुकड़े हमारे थे संविधान के समय, इसका मतलब 70 साल पहले हम 29 लाख टुकड़ों में तो बिल्कुल नहीं थे, तो 6,743 में थे, तो वो स्थिति हमारी ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि हमारे टुकड़े कम थे। और अगर आप किसी भी किताब को उठाओगे, किसी भी किताब को जो पुरानी या जिसको हम कहते हैं पुराण है या पुरानी किताब है, बेशक वो हमारी नहीं है, हमारी उठा लोगे, जो धमकी है जो बुद्ध ने लिखी है, जो बुद्ध ने बताई हैं, जो बाद में बुद्ध की लिखी हैं, उनमें तो आपको एक भी जाति मिलेगी नहीं, मगर उनकी भी अगर किताब आप उठा लोगे तो आपको ताज्जुब होगा कि उसमें भी जाति नहीं है, 6,743 जाति नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि ये सारी किताबें जो लिखी हैं ये 500 से 600 साल पुरानी हैं, बस इतनी पुरानी हैं, क्योंकि उससे पहले अक्षर वक्षर इतने ज़्यादा बने नहीं थे, देवनागरी लिपि थी नहीं, वो भी बहुत बाद में आई, और छापे नहीं थे, प्रिंट नहीं थे, कागज नहीं था, तो किताबें कहाँ से आईं। तो उसमें भी जाति का जिक्र नहीं है, इसका मतलब 600 साल पहले भी हम लोग 6,743 टुकड़ों में नहीं टूटे हुए थे। जब लिखा मिलता नहीं, इतिहास मिलता नहीं, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी किताब उठा लो और उसमें दिखाओ कि भाई 6,743 जाति कहाँ है, आपको मिलेंगी नहीं, क्योंकि 6,000 अच्छा थोड़ा तेज बोलना है, तो 6,743 जो जातियां हैं वो किसी भी हालत में आपको किसी किताब में मिलेंगी नहीं, संविधान से पहले कोई किताब में जाति का जिक्र ऐसा है ही नहीं। अच्छा, कोई पुरानी अगर किसी ने कोई धर्म की किताब लिखी है, धर्म की लिखी है, तो उसमें आप जांच लो, उसमें देख लो, उसमें परख लो, और जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जो कहानी आप सुनते हो, उसमें पूछ लो किसी से कि भाई इसमें बताना कि वो 6,743 जाति कहाँ है, वो आपको नहीं मिलेंगी। इसका मतलब हम 600 साल 500 साल पहले तक 6,743 टुकड़ों में नहीं थे, तो हम इकट्ठे होते जा रहे हैं ना, 29 लाख टुकड़ों से 6,743 में गए और थोड़ा ऊपर 500 में गए तो वो भी गायब गायब हो गई। तब वहाँ 4 वर्ण हुआ करते थे खाली, वर्ण का मतलब होता है पुरानी भाषा में रंग, तो 4 रंग होते थे, तो इसको बोलते थे, जैसे एक श्वेत वर्ण होता है सफ़ेद रंग, जैसे हरित वर्ण होता है, तो वर्ण को वर्ण बोला गया, तो ये रंग होता है, लोहित वर्ण का मतलब है लाल जैसा रंग है, या पीत वर्ण को बोलते हैं कि ये पीला वर्ण है, तो ये वर्ण 4 हुआ करते थे रंगों के आधार पर। मगर हकीकत में रंग 3 थे, 3 इसलिए थे क्योंकि भारत का तो एक ही रंग था, जो समण लोगों का रंग था वो तो एक ही था, उससे पहले अगर हम जाएंगे तो आपको सिर्फ 2 लोग मिलेंगे, 4 वर्ण से पहले अगर ऊपर जाएंगे तो आपको 2 मिलेंगे, और 2 मिलेंगे आपको, एक सम्मण और एक बम्मण। सम्मण का मतलब होता है जैसे सत्कार होता है और दुत्कार होता है, सत्कार का मतलब है अच्छा काम है, और दुत्कार का मतलब है बेकार, दुत्कार दिया, दुत्कार हो गया, जो कर्म है वो दुत्कार वाला हो गया, दुष्ट हो गया। ऐसे ही सम्मण का मतलब है, मण का मतलब मन होता है, सम्मण का मतलब है अच्छे मन वाला, और बम्मण का मतलब है विपरीत मन वाला। तो ये 2 लोग मिलते हैं बुद्ध से पहले, इन 2 की जो मिक्स ब्रीड बनी, इन दोनों के, क्योंकि जो बाहर से लोग आए थे उनके पास औरतें नहीं थी, औरतें उन्होंने हमारी यहाँ कब्जे में ली हैं,
उससे जो औलादें पैदा हुई हैं उनको बोलें संकर वर्ण। संकर वर्ण तो आप जानते होंगे, जानवरों में संक्रमण की नस्ल होती है, फसलों में संक्रमण होती है, दो फसलों को मिला के एक जो फसल बनाते हैं उसको संकर वर्ण बोलते हैं। तो संकर या संकर वर्ण जो है वो तीसरा वर्ण था, वो तीसरा वर्ण है। मगर बाद में आते आते यहाँ जो वैसे जो बनिए हैं व्यापारी हैं उनको भी उन्होंने पैसा दिया, उनको भी एक वर्ण में घोषित कर दिया गया कि वो भी वर्ण है, पहले नहीं होता था। तो दो खाली लोग हुआ करते थे बुद्ध से पहले, सम्मण और बम्मण। ये जो सम्मण है, सम्मण को प्रैक्टिस में आते आते बोलते बोलते सम्मण का समण हो गया, और बम्मण का प्रैक्टिस में आते, बम्मण माने होता है वम, वम माने होता है कहते हैं वम आ रही है, उल्टी आ रही है, यानी कि जो विपरीत विचारधारा का होता है, विपरीत मन का होता है, उसको कहते हैं ये तो बम्मण है, इसका मन विपरीत है। तो बम्मण को वमण बोलने लगे, वामण बोलने लगे, ब्राह्मण बोलने लगे, बम्मण बोलने लगे, ये नाम उसके चलने लगे। उन्होंने फिर बाद में पाली में आधा रह जोड़ दिया तो उसको ब्राह्मण कहने लगे, और हमारा जो समण था उसको उन्होंने श्रमण कर दिया। और श्रमण करके क्या किया, क्योंकि हमारे लोग सारे अपनी भाषा भूल गए, अपने अपना सिद्धांत भूल गए, अपना ये भूल गए कि हम सब एक परिवार के लोग हैं। तो श्रमण बता दिया कि जी समण का श्रमण हो गया है, और श्रमण का मतलब होता है श्रम करने वाला और मेहनत करने वाला, और मेहनत ही करने वाला होता है और कुछ नहीं। भाई ये हमारे दिमाग में जो डाला गया मेहनत करने वाला, मेहनत करने वाले तो हम हैं ही, इसमें तो कोई शक नहीं है, मगर खाली ये लेबर का काम करने वाले हम नहीं हैं, मेहनत का मतलब सारे काम करने वाले हम हैं। तो लोग कहते हैं जी कि ये जो सारा काम करने वाले लोग हैं ये कैसे हैं। देखो सम्राट अशोक समण था, बुद्ध समण थे, उस समय बुद्ध के परिवार में जितने लोग थे सब समण थे, और उससे पहले सारे सारे लोग समण थे। अभी जैसे बताया कि बुद्ध से पहले जब वो बुद्ध नहीं बने, सिद्धार्थ गौतम थे, तब भी समण संघ था जिसने उनको सजा दी, वो बुद्ध को नहीं मिली सजा, समण संघ को मिली है। तो जो सम्राट अशोक के समय जो समण था राजा, वो सम्राट अशोक था, और उसका जो सेनापति था वो समण था, और उसने जो पत्थरों पे लिखवाया अपना पूरा पूरा संविधान जिससे राज चलता था, वो लिखने वाले लोग कौन थे, वो लिखने वाले लोग हम ही थे। इसका मतलब हम लिखैया भी थे, लिखने वाले भी थे। तो लिखैया तो तभी बनेगा आदमी जब पढ़ैया होगा, जब पढ़ने वाला होगा, और जिसके लिए वो लिखवा रहा वो लोग कौन थे, वो भी हम थे। तो हम पढ़ने वाले भी थे, यानी हम पुराने पढ़ैया भी हैं, पुराने लिखैया भी हैं, तो हम पढ़े लिखे लोग हैं पुराने। तो वहाँ व्यापार होता था, जो व्यापारी था सुदत्त जैसा व्यापारी जिसने बुद्ध के लिए एक विहार खरीदा सोने की मुद्राएं बिछा के, उसकी हजारों गाड़ियां धान की और दही की और जौ की और ये लहसुन की इसकी, और ये जो कपास होता था इसकी सारी गाड़ियां पूरे देशों में जाया करती थी, बहुत बड़ा व्यापारी था वो। व्यापारी भी समर्थ था, हम ही व्यापारी थे। तो इंजीनियर भी सारे हम ही थे। तो जीवक नाम का जो डॉक्टर था, जो आदमी की खोपड़ी फाड़ के इलाज करता था उस जमाने में और खाट से बांध दे देता था, ये लिखा हुआ है, वो भी समर्थ था। तो वो पढ़ा कहाँ, वो तक्षशिला में जाके पढ़ा, तक्षशिला में जाके पढ़ा, वहाँ सारे समर्थ थे, पढ़ाने वाले समर्थ थे। तो डॉक्टर कौन थे, समर्थ थे। तो डॉक्टर का इलाज करने वाले समर्थ थे। तो सारा का सारा व्यापारी जो थे वो थे। तो अशोक की सेना के अंदर, सेना में कौन लोग थे, हम ही लोग थे। तो लड़ैया कौन थे, हम ही थे। सिपाही कौन थे, हम ही थे। तो राजा कौन था, हम ही था। तो सेनापति कौन था, तो हम ही था। तो जितना खेतों में काम होता था वो खेतों में काम करने वाले कौन लोग थे, हम ही थे। खेत किसके थे, हमारे ही थे। ऐसा कोई काम नहीं जो हम ना करते हों, राजा से लेके और किसान तक का सारा काम। और उस समय कोई कास्ट नहीं थी, कोई जाति नहीं थी, कोई सफाई का काम नहीं था और कोई चमड़े का काम नहीं था। सब लोग अपना अपना काम करते थे, काम होते थे मगर नाम नहीं होता था। तो ये जो बम्मण है ये क्या करता था, तो आपने कहानियाँ सुनी होंगी, एक गरीब याचक ब्राह्मण दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ। सब ने यही कहानी सुनी है, सब ने बचपन से यही कहे कि एक गरीब ब्राह्मण दरवाजे पर आया। वो आज भी कहते हैं जी ब्राह्मण आया कुछ दो, गरीब ब्राह्मण आया दो। आपने कहीं सुना कि एक गरीब याचक समण आया, समण का नाम सुना आपने कभी, एक कहानी नहीं सुनी होगी, क्योंकि हम गरीब थे नहीं, हम याचक थे नहीं। तो आधी कहानी सुनाई जाती है, अब पूरी कहानी सुनो। एक गरीब याचक ब्राह्मण समण के दरवाजे पर आया। क्यों आया, क्योंकि अगर आज अमेरिका से कोई आदमी यहाँ आ जाए फटे हाल, खाली हाथ आ जाए, तो यहाँ रोटी कहाँ खाएगा, काम तो उसे मिलेगा नहीं, खेत उसका है नहीं, खलिहान उसका है नहीं, हमारी भाषा जानता नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, तो हाथ फैला के यूं ही तो करेगा गेट पे आगे, किसी के दरवाजे पर यूं ही तो करेगा। तो कोई भी अगर ऐसा आदमी जैसे यहाँ से केरल चला जाए या तमिलनाडु चला जाए और वो तमिलनाडु की तमिल भाषा को ना जाने, उसको भूख लगी है, तो क्या करेगा, किसी के दरवाजे पर जाके हाथ फैलाएगा, इसको याचना बोलते हैं। तो इसलिए वो जो बम्मण लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, इसलिए कोई काम नहीं कर पाते, क्योंकि वो काम उन्हें आता ही नहीं है,
वो यहाँ के होते तो काम आता, यहाँ के होते तो किसानी करते, यहाँ के होते तो वो कोई लकड़ी का काम करते, यहाँ के होते तो कोई राजा होते, यहाँ कोई सेनापति होते। तो बाहर से जो आदमी आता है या तो जेब में पैसा लेके आए आज के समय, और या फिर आके मांगेगा। तो वो इसीलिए उनकी कहानियों में एक गरीब याचक ब्राह्मण हमेशा रहता है, और हमारी कोई कहानी नहीं है जिसमें एक गरीब याचक श्रमण हो। तो दो लोग थे उस समय, तो ये दो लोग भी एक थे, यानी कि जब तक ब्राह्मण भारत में नहीं था तब तक खाली हम ही लोग थे, और हमारे जो नाम था उस समय श्रमण नहीं था, क्योंकि कोई आदमी अकेला है तो वो अपना नाम क्या देगा भाई। हम हमारे घर में कोई किराएदार आएगा तभी तो हम कहेंगे कि हम मालिक हैं और ये किराएदार है। अगर हमारे घर में कोई किराएदार है ही नहीं तो हम क्या पागल हैं, हम अपने आप को ये कहते फिरेंगे हम मालिक हैं, हम मालिक हैं, हम मालिक हैं, हम मालिक हैं। दिमाग खराब है हमारा भाई। कोई किराएदार आएगा तब कहेंगे इस किराएदार के हम मालिक हैं, किराया हमको चाहिए। तो श्रमण नाम तब पड़ा, इसलिए बुद्ध ने अपनी बातों में जितना भी लिखा है वो श्रमणा और बमणा करके लिखते हैं। पाली भाषा में ज़्यादा लोगों को श्रमण से श्रमणा बोलते हैं, बमण से बमणा बोलते हैं। ये दो शब्द वहाँ मिलते हैं और इन दो शब्द की हिस्ट्री है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि भारत का इतिहास कुछ नहीं है, श्रमण और बमण के बीच का संघर्ष है। और संघर्ष किस बात का है? संघर्ष इस बात का है कि उनके बच्चों की टट्टी हम उठाएंगे या वो खुद उठाएंगे। संघर्ष इस बात का है कि हमारे बच्चों की टट्टी हम उठाएंगे या वो उठाएंगे। संघर्ष इस बात का है कि हमारे बच्चे जज बनेंगे या उनके बच्चे जज बनेंगे। संघर्ष इस बात का है कि गुलाम कौन बनेगा और मालिक कौन बनेगा। संघर्ष इस बात का है कि खेतों में जो फसल आएगी वो किसके घर में ज़्यादा जाएगी और किसके घर में कम जाएगी। संघर्ष इस बात का है कि पढ़ लिख के अफसर कौन बनेगा और अनपढ़ होकर रिक्शा कौन खींचेगा। संघर्ष इस बात का है कि मजदूरी कौन करेगा और मालिक कौन बनेगा। संघर्ष इस बात का है कि खा पी के मोटा ताजा कौन होगा और जिसको खाने को नहीं मिलेगा बिना खाए मरेगा कौन। संघर्ष इस बात का है कि आपके बच्चों को अस्पताल बढ़िया वाला मिलेगा या सरकारी अस्पताल मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और उनके बच्चों को बढ़िया मिलेगा। संघर्ष किसी भी हालत में जाति का संघर्ष नहीं है। जातियाँ तो बहुत बाद में बनी हैं, बुद्ध के समय जातियाँ नहीं थी। अगर बुद्ध के समय जातियाँ होती तो ये संघर्ष नहीं होता। वहाँ भी संघर्ष था, तो संघर्ष लगातार बदलता रहता है। अभी जातियों का संघर्ष बाबा साहब ने ख़त्म कर दिया। बाबा साहब ने क्या किया, जातियाँ ख़त्म करके पोटली में बांध दी एससी एसटी ओबीसी में। और हमको एससी एसटी ओबीसी कहना चाहिए और उन एससी एसटी ओबीसी को बाद में श्रमण कहना चाहिए था, या बहुजन कहते या मूल निवासी कहते हैं, मगर वो बात मनी नहीं। उन्होंने वो जातियाँ फिर खोल के और उसको पिटारे में खोल के और फिर सबको पकड़ा दिया। लोग अपने अपने झंडे लेके जातियों के फिर नेता बन गए, जातियों का फिर संघर्ष होने लगा, तो बात ख़त्म हो गई। तो इसलिए अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो या इतिहास की जानकारी नहीं है या आप हिस्ट्री नहीं जानते हो तो अफसोस मत करना, सिर्फ सोचना जाके कि भाई हमारा कोई माँ बाप है, हम वैसे तो पैदा हवा में हुए नहीं हैं, हमारा कोई माँ बाप है, फिर उसका कोई माँ बाप है, फिर उसका कोई माँ बाप है, फिर उसका कोई माँ बाप है। अब हम पहुँचते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के ज़माने में, अभी तो हम 30 करोड़ हैं, उस समय 6 करोड़ थे। तो 6 करोड़ से हम आगे चलते हैं तो जब और भी ऊपर जाएंगे तो पता चलेगा कि भाई एक समय ऐसा आएगा जब हमारे माँ बाप एक ही हैं और हम माँ बाप के एक होने से अलग अलग परिवार होते जा रहे हैं, तब हम अलग अलग टुकड़ों में बंटते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे, सोचते जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि भाई किसी समय हमारे माँ बाप एक ही रहे हैं और हम एक ही माँ बाप की संतान हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 6,743 लोगों के माँ बाप अलग अलग हैं और वो अलग अलग सरायें चल रही हैं, अलग अलग बह रही हैं धाराएँ, वो सारी धाराएँ एक मिल रही हैं। अगर वो ऐसा नहीं होता तो बुद्ध के साहित्य में बहुत सारी जातियाँ होती और जातियाँ बता के जाते। फिर भी कुछ बड़े विद्वान लोग होते हैं जो ब्राह्मणों का लिखा हुआ धम्म पढ़ लेते हैं जो बुद्ध ने लिखा है, और वो हमें बड़े बड़े गर्व से कहते हैं। सुनित भंगी का नाम नहीं सुना आपने? सुनित भंगी उसमें आता है, जिक्र आता है, देखो जातियाँ तो थी, बस सुनित भंगी आया है तो उसको जाति कहेगा तो वहाँ पूरा झंडा गाड़ देगा कि सिद्ध करेगा कि जातियाँ थी। तो उसको कहते हैं कि भाई थोड़ा ध्यान से पढ़ ले, क्योंकि भंगी शब्द मिलता है तो भंगी जो है वो सबसे पहले बुद्ध है। क्यों है? क्योंकि बुद्ध की जो शिक्षाएँ हैं उसमें ये दिखाया हुआ है और आज भी सिखाते हैं, 200 सेंटर हैं, कि 7वें दिन शरीर के अंदर से राग देश भंग हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। बुद्ध ने सबसे पहले कहा कि मैंने अपने रागों को ख़त्म कर दिया है, भंग कर दिया है, देशों को भंग कर दिया है, मोह माया को भंग कर दिया है, अब मैं भंगी हूँ। यानी कि मैं सारे दुखों को जीते जी भंग कर दिया, मैं भंगी हूँ, मुझे भंग ज्ञान प्राप्त हो गया। जिसको भंग ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको भंगी बोलते हैं। उनके जितने भी शिष्य थे सबको भंग ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए वो सारे भंगी हैं। सुनित नाम का जो व्यक्ति है उसको भी भंग ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए वो भंगी है। मगर
कहते जी नहीं वो सफाई करा था, एक कहानी बना रखी है झूठी कि एक सुनित नाम का आदमी था, वो पेड़ के पीछे छुप गया, बुद्ध जा रहे थे, बुद्ध को बड़ी करुणा दया आई, उसको बुलाया, उसको कहा कि तू आज से मैं तुझे सिखाता हूँ, तू आज से मेरा चेला हो गया, और उस सुनित भंगी का उद्धार कर दिया। भाई पुराण पूरे साहित्य में कहीं भी सफाई का कोई काम ही नहीं है, पर सफाई क्या करोगे, कोई सड़क नहीं है वहाँ पे, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई महल नहीं है, कोई दफ्तर नहीं है, हर आदमी अपनी सफाई खुद करता था, यहाँ तक कि बुद्ध ने कभी किसी से पैर नहीं धुलवाए, उन्होंने अपने पैर जीवन भर खुद धोए और सारे भिक्खु अपने धोते थे। जब सफाई का काम ही नहीं है तो सफाई का लोग कहाँ से आ गए। ये सफाई का काम तो थोड़े समय से अब बना है और पूरी दुनिया में बना है, सब लोग अपनी सफाई करते थे, इसलिए सुनित भंगी खाली एक नाम था, जो उसने भंग ज्ञान प्राप्त किया उसको भंगी बोलते थे। बुद्ध ने तो साफ कहा है, भग्य रागो भग्य दोषो भग्य मोहिमुटा ते मैं भंगी तो मैं भंगी हूँ, साफ साफ वो कहते हैं। तो ये कहता है अजय उसमें उपाली नाई का जिक्र है, आप उपाली नाई को क्या कहोगे। अरे भैया नाई उर्दू का शब्द है, उपाली नाई एक पूरा नाम है, वो बाल काटने वाले को वहाँ पे केसहारी बोलते हैं, केस बोलते हैं केसों को इनको, और हारी बोलते हैं जो उनका हरण करता है, जैसे रोगी हारी डॉक्टर को रोग हारी बोलते हैं, रोगों का हरण करता है, ऐसे जो बालों को हरण कर देता है काट के ले जाता है उसको केसहारी बोलते हैं, तो वो केसहारी है। और या केस कप्पन होता है, केस कप्पन का मतलब है कि कोई किसी को जो बाल होते हैं बालों से का गुच्छा लेके किसी की हवा करे उसको केस कप्पक बोलते हैं, केस कप्पन बोलते हैं, ये टर्म है। तो वहाँ किसी भी हालत में नाई शब्द नहीं, उर्दू कहाँ से आ गई, उर्दू तो अब बनी है, तो लोगों को समझ में नहीं आता क्योंकि हमारे लोगों को ज़्यादा जानकारी तो होती नहीं, जिसने जो सिखाया बहका दिया मान लिया, इसलिए बुद्ध के पूरे साहित्य में जाति नहीं है। अच्छा फिर भी वो कहते नहीं जी आप कहते हो उसमें नन्नाई भी है उसमें भंगी है, आप तो गप मार रहे हो। अरे भाई मैं चलो गप मार रहा हो सकता हूँ, भाई तुम 6,743 जातियों में और तो दिखाओ, बाकी जातियों के नाम तो दिखाओ पूरे साहित्य में, मैं मान लूँ कि ये दो बातें हैं ये गलत हो सकती हैं तो बाकी तो जातियाँ होंगी। ये इतना बड़ा साहित्य है, इतनी बड़ी किताबें मोटी मोटी लिखी हुई हैं, पूरी पटारी लिखी हुई है, उसमें कहीं जाति का नाम तो मिले। क्या जी जाति का नाम तो उसमें है, हाँ जाति का नाम उसमें आता है। तो बुद्ध कहते हैं जाति दुखा मरण दुखा, जो ये व्याधि दुखा, इसका मतलब है कि बीमारी दुख है, जरा दुखा बुढ़ापा दुख है, जाति माने होता है उत्पन्न होना। कह रहे हैं जी ये एक ही प्रजाति के एक ही जाति की नस्ल है, ऐसा बोलते हैं ना कि एक जाति एक प्रजाति के पेड़ हैं सारे। ये जो पैदा चीज़ें होती हैं अपने आप, चाहे वो जीव पैदा हो चाहे वो पेड़ पौधे पैदा हों या घास हो, उसको पुराने समय में जाति बोलते हैं। जाति माने उत्पत्ति होता है कि जात है, तो कहते हैं ना हम जात लगाने जा रहे हैं, जात लगाने का मतलब है उत्पन्न करने जा रहे हैं, उत्पत्ति करने जा रहे हैं, राग द्वेष को खत्म करने जा रहे हैं। तो जात शब्द आता है, जाति आता है, मगर जिस तरह से लोगों की जात बताई जाती है वैसा शब्द नहीं आता, ये अभी की पैदाइश है, इसलिए इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ना ही किताब पढ़ने की आवश्यकता है। सिर्फ सोच लोगे तो भी रात को ये मान लोगे। और एक कमाल बताता हूँ आपको, जो जाति का ठप्पा आपकी पीठ पे लगाया हुआ है आप बता नहीं सकते कि इसका मतलब क्या है, आप में से कोई ये नहीं बता सकता कि ये बनी कैसे है, और कोई ये नहीं बता सकता कि पहली जाति कब बनी, कोई ये नहीं बता सकता कि जिस जाति को जबरदस्ती ढोके घूम रहे हो उसका इतिहास क्या है, किसी किताब में नहीं मिलेगी आपको, एक पन्ना नहीं मिलेगा। अरे किसी ने बनाई होती तो लिख के जाता, कहीं बनी होती तो इसका इतिहास होता, अरे हवा में चलती हैं सारी, बाबा साहब अम्बेडकर ने एनालिसिस ऑफ कास्ट के अंदर बताया हुआ है, भाई ये हवा में बनी हुई हैं, इनको मानते रहोगे तो ये तगड़ी होती रहेंगी और इनको मानना बंद कर दोगे तो ख़त्म होगी। तो आज हमने यहाँ बैठ के जाति का सर्वनाश किया है, हमने जाति पूरी तरह से आज ख़त्म की है, क्योंकि समण संघ के अंदर जाति के ऊपर कोई भी बात नहीं होती, ना ही हम जाति की वहाँ स्वीकार करते हैं। कोई अगर यहाँ जाति का नाम भी लेता है तो हम उसको कहते हैं कि ये समण संघी नहीं है, समण बोलो या बम्मण बोलो, ये बताओ समण हो या बम्मण हो, बम्मण हो तो भाई यहाँ तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास तो सारा प्रॉपर्टी है, सारा पैसा है, सारी एजुकेशन है, पूरा देश है, सारी जमीन है, सारी जायदाद है, भाई तुम तो सुखी लोग हो, तुमसे हमारा क्या लेना देना है, हम तो समण के लिए काम कर रहे हैं कि उनके पास कुछ नहीं है तो उनको सब मिल जाएगा अगर सब कुछ इकट्ठा हो जाए, यानी कि हम सब इकट्ठा हो जाएं तो अधिकार ले सकते हैं। तो कैसे ले सकते हैं, लोग कहते हैं जी इकट्ठे होकर अधिकार कैसे मिलेंगे, लोगों को एक 70 साल से दिमाग में बात डाली हुई है कि भाई इकट्ठे होकर करोगे क्या, लोग सोचते हैं इकट्ठे होकर पार्टी बनाओगे क्या, इकट्ठे होकर चुनाव लड़ोगे क्या, इकट्ठे होकर कोई सामाजिक संगठन बनाओगे क्या, इकट्ठे होकर कोई धार्मिक संगठन बनाओगे क्या, इकट्ठे होकर कुछ दलबल बनाना क्या, तो भाई इकट्ठे होकर कुछ नहीं करना, इकट्ठे होकर आपने सिर्फ संविधान को ये बताना है कि हम इकट्ठे हैं, बाबा साहब पूरा इंतजाम करके गए हैं,
आपने ना भाला उठाना है, ना लठ उठाना है, ना बंदूक उठानी है, ना गाली बकनी है, ना सड़क पे आना है, कुछ नहीं करना है। आपने सिर्फ इकट्ठा होना है और संविधान तक ये आवाज़ अपने आप पहुंच जाएगी कि आप इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होते ही संविधान में ये नियम है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, संविधान उसमें से उतनी हिस्सेदारी देता है, ये नियम है। और आप इकट्ठे हो जाओ परमानेंट, तो आपका परमानेंट आपका हिस्सा आपके घर आता रहेगा। ठीक ऐसे जैसे जाट इकट्ठे हो गए हरियाणा के अंदर, क्या कहते थे वो जो जाटों के नेता हैं जिनको सर छोटू राम बोलते हैं, अरे जाटो तुम इकट्ठे हो जाओ सुजात हो जाओगे, तुम अगर इकट्ठे हो जाओगे तो तुम बच जाओगे। तो वो समझदार थे, उन्होंने कहा भी ठीक बोल रहा है ये, इकट्ठे हो जाओ सारे। वो इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होके उन्होंने हरियाणा के अंदर अपनी सत्ता बना ली, सरकार बना ली। तो उनकी सत्ता को तोड़ने के लिए दूसरे लोग आ गए, ये तो चलता रहता है, सत्ता तेरी मेरी, क्योंकि लड़ाई तो अपने सुख की है। मगर सत्ता में जाने के बाद भी क्या उनके अधिकार गए? उनकी अभी भी चलती है, बेशक सरकार उनकी नहीं है, उनके सारे काम हो रहे हैं, वो इकट्ठे हैं, वो व्यापार में भी आगे आगे, पढ़ाई में भी आगे आगे, लिखाई में भी आगे आगे, इकट्ठे होने से आगे। हमें भी बाबा साहब ने थोड़ा सा इकट्ठा करा तो हम पढ़ लिख के यहाँ आ गए। अब अगर हम इकट्ठे नहीं हुए तो अब हम नीचे चले जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए इकट्ठे हो जाएं, चाहे आपका राजनीतिक वहाँ पे कोई बंदा हो या ना हो, आपके अधिकार के नहीं जाने वाले। जो लोग इकट्ठे रहते हैं उनका कोई अधिकार नहीं जाता। तो लोग कहते भाई हमको तो यकीन नहीं होता, हम कैसे माने? तो भाई ऐसे मान लो कि 2 अप्रैल 2018 को जब आपने आंदोलन किया था तो कोई नेता नहीं था आपके पास में, और आपका जो अधिकार था 2 अप्रैल 2018 को वो चला गया। आप सिर्फ इकट्ठे हुए थे 4 घंटे के लिए सड़कों पे, बस 4 घंटे के लिए पूरे देश में इकट्ठे हुए सड़कों पे, आपका अधिकार तुरंत जुड़ गया। ना तो आपने पर्ची दी, ना आपने एप्लीकेशन लगाई, ना आपका वहाँ MP बोला, ना आपका वहाँ मिनिस्टर बोला, ना आप वहाँ गए, ना आपने SDM को ये कहा कि तू हमारा जोड़ दे, ना आपने DM को कहा। आप तो सड़कों पे खड़े हो गए। उनको ये पता चल गया कि भाई ये इकट्ठे हैं, इनकी बात मान लो, अगर इनकी बात नहीं मानी तो ये परमानेंट इकट्ठे हो जाएंगे। तो वो नहीं चाहते कि हम लगातार परमानेंट इकट्ठे हो जाएं। मगर हमें ये समझ आ गई कि इकट्ठा होने के लिए नेता की जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने जब ये कहा कि संगठित हो जाओ, तो बाबा साहब ने कब ये कहा कि कोई नेता होगा तो इकट्ठे होंगे? बाबा साहब ने कहा इकट्ठे हो जाओ सब हो जाएगा। तो बुद्ध जैसे व्यक्ति क्या कहते हैं? संघं शरणं गच्छामि। तो बुद्ध ने ये कहा था भाई आपको संघ में जाना है, इकट्ठे होना है, तो संघ संघ आना है। तो संघ का जो मतलब होता है वो संघ वाला होता है। जैसे कहते हैं ना कि मैं अम्मा संघ जा रहा हूँ, मैं बापू संघ जा रहा हूँ, मैं चाचा संघ जा रहा हूँ, मैं भैया के संघ जा रहा हूँ, ये संघ और वो संघ एक ही बात है। दोनों का मतलब एक ही है और दोनों एक ही शब्द है, बस गय की जगह गय हो गया, मगर बात एक ही है। तो संघ रहना है, संघ। जैसे अब हम यहाँ सब लोग संघ संघ बैठे हुए हैं, तो संघ संघ में ताकत महसूस होती है कि हम साथ लोगों में ताकत है। मगर ये परमानेंट अगर लगातार इकट्ठे हो जाएंगे तो ये ताकत हमेशा बनी रहेगी, और ये ताकत बनी रहेगी तो हमारे जितने अधिकार गए हैं वो सारे के सारे अधिकार जितने भी हैं वो सारे अधिकार वापस आ जाएंगे, और जो बाबा साहब अम्बेडकर ना दे पाए वो भी आ जाएंगे। तो करना क्या है? करना है जोड़ना है और जुड़ना है, जोड़ना है और जुड़ना है। ये काम है, यही काम है। हमें राजनीति में नहीं जाना है, हमें किसी भी हालत में कोई संगठन नहीं बनाना है, क्योंकि संगठन तो हमारे पास 29 लाख हैं और राजनीतिक पार्टियां बहुत सारी हैं। अगर उनसे कुछ चमत्कार होता, उनसे कुछ बात आनी होती तो आ जाती, अब तक उनसे नहीं आने वाली है। वो सब हमने चेक कर लिए हैं, वो फार्मूला फेल है, वो फार्मूला काम नहीं करता। मगर 2 अप्रैल का फार्मूला ठीक है, इकट्ठे हो जाओ काम बन जाता है। तो लोग कहते हैं जी वो तो बाई चांस इकट्ठे हो गए। अरे भैया बाई चांस इकट्ठे हो गए तो ये जो किसान थे इनसे कल सीख लो थोड़ी सी। 32 संगठन जब तक अलग अलग रहे किसानों के, सरकार ने कह दिया भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, भाग जाओ। और जैसे ही 32 संगठन इकट्ठे होकर संघ बना लिया, सरकार पैरों में आ गई, खूब उनकी खुशामत कर रही है, उनको रोटी खिला रही है, और वो मान नहीं रहे, कह रहे पूरे अधिकार लेके जाएंगे, लेके गए पूरे अधिकार, और अभी भी वो संघ में है, टूटे नहीं है। अभी भी सरकार कांप रही है उनसे कि कभी भी वापस आ सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दे रखी है कि हम दोबारा कभी भी वापस आ जाएंगे। तो इसलिए जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि संगति करनी है, साधुओं संगति करो, संगत में रहो, संगत में रहना है, घरवाले भी कहते हैं इकट्ठे रहना है, यही एकमात्र ऐसा काम है जो अब तक हमने नहीं किया। 70 साल में सारे काम किए हमने, राजनीतिक पार्टियां खूब सारी बना ली कमर तोड़, हमने जितने सामाजिक संगठन है खूब बना लिए, खूब हमने पैसा दे दिया, खूब नारे लगाए, खूब चंदा लगाया, उससे परिणाम नहीं आए। परिणाम आए तो इकट्ठे आने से आए। तो बाबा साहब की बात सिद्ध हो गई कि संगठित रहोगे तो बचोगे, संगठित रहोगे तो काम चलेगा। इसलिए उन्होंने कहा है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब है अलग अलग संगठन नहीं बनाना है। कौन विद्वान होगा जो ये कहेगा कि मैं तुमको इकट्ठा करने का मंत्र दे के जा रहा हूँ और तुम 29 लाख संगठन बना लेना? भाई 29 लाख तो टुकड़े होते हैं, संगठन थोड़ी होता है 29 लाख का। 29 लाख अगर हिस्सों में बटे रहोगे तो टुकड़े कर रहे हो, अपने टुकड़े खुद अपने आप कर रहे हो। भाई अपने दुश्मन तुम खुद हो, किसी को और को दुश्मन कहने की क्या जरूरत है? और जो हमें जोड़ने के लिए कहते हैं कि जी हमारा संगठन है जोड़ने के लिए, हम उनसे अब ये कहने लगे अबे तुम तो जुड़ जाओ पहले,
हमको बाद में जोड़ना, हम तो जुड़े हुए हैं, हम तो 2 अप्रैल को दिखा दिया हम तो जुड़े हुए हैं, पर तुम तो जुड़ो पहले। तो कहते जी नहीं, हम तो ठीक है जुड़ेंगे नहीं। तो हमारी समझ में आ गया कि भाई इनका मामला जुड़ने का बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इनको पैसा मिल रहा है, इनका काम चल रहा है, ये साल में 2 बार निकलते हैं पर्चियाँ लेके, पैसे ले जाते हैं, इनका काम बढ़िया चल रहा है, इनकी नेतागिरी बढ़िया चल रही है, इनकी मंचमाला माइक खूब बढ़िया चल रही है, इसलिए हमसे कोई मतलब नहीं है। तो ये निर्णय हुआ कि भाई इनको पैसा देंगे तब, इकट्ठे होके आएंगे जब, और जब तक इकट्ठे होके नहीं आएंगे तब तक इनको यही कहते रहेंगे भाई इकट्ठे होके आओ, बात तुम्हारी सब ठीक है, भाई सब हमारे अपने अपने, मगर जब तक इकट्ठे होके नहीं आओगे तब तक हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सारे अधिकार चले गए, वैसे ही अधिकार आएंगे, इसलिए हम जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जिद हमारी जुड़ने की है। ये मीटिंग जितने भी लोग सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं, वो सब जितने जल्दी हो सके जुड़ने जोड़ने का काम करें, जुड़ने जोड़ने का ही काम असली है, ये किसी ने किया नहीं है। और कोई आदमी ये कहता हो कि जुड़ने जोड़ने का काम क्या होता है, तो भाई राजनीतिक आदमी क्यों जोड़ते हैं हमको, जो सामाजिक संगठन है वो क्यों जोड़ते हैं, जो धर्म का काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं वो क्यों जोड़ते हैं। हर काम के लिए जब लोगों को जोड़ा ही जाता है तो सबसे पहले हम जुड़ जाएं, जुड़ जाएंगे तो अपने आप सारे काम हो जाएंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसका घर कुनवा जुड़ा रहता है उससे सब डरते हैं, हमारा घर कुनवा पूरे देश में जुड़ जाएगा फिर सब लोग हमसे डरेंगे, फिर हमारी पिटाई नहीं होगी, फिर तो हमें अपने बच्चों से कहना पड़ेगा, अरे उसको क्यों पीटी आए भाई तुम, उसको क्यों तुम छेती आए, क्यों उसकी टांग तोड़ाए, ऐसा मत किया करो, चलो बैठो घर में। जैसे आज उनके साथ हमारे बच्चों के साथ होता ना कि वो लोग पीट जाते हैं और हम कहते हैं जी पीट गया, हम शिकायत लेके जाते हैं, हमारे पास शिकायतें आएंगी, फिर हम शिकार नहीं होंगे, फिर हम शिकारी होंगे, क्योंकि जो शेर झुंड में आ जाते हैं वो शिकार करते हैं, और जो शेर अकेला घूमता है वो शिकार बनता है, कुत्तों का भी शिकार बन जाता है। इसलिए इकट्ठा होना है और शिकारी बनना है, शिकारी बनते ही आपके सारे दुख खत्म, फिर तो आपको किसी को मारना है तो मारो, नहीं मारना तो छोड़ दो, फिर आपको कोई मारेगा नहीं, ये गारंटी है। इसलिए हमें जुड़ना है ताकि हमारे सब बच्चे बच जाएं और हम सब बच जाएं। लीजिए सर। धन्यवाद सर। तो इसके बाद कॉन्सेप्ट के हाँ, जुड़ेंगे जीतेंगे, जुड़ेंगे जीतेंगे, जिद जुड़ेगी, जिद जुड़ेगी, पहले जुड़े थे, पहले जुड़े थे, अब जुड़ेंगे, जो जुड़े थे वो जीतेंगे, फिर जुड़ेंगे, जुड़ेंगे, जिद जुड़ेगी, जय जय जय, समर संघ, समर संघ, समर संघ, हम सब संघी हैं, हम सब, हम सब, हम सब। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Singam Sirunam Gacchami.
साधु साधु साधु।